ये जितने भी आज तक काम हुए हैं उन्होंने सिर्फ मानवता भलाई के लिए ही किए हैं और आगे भी वो यही करेंगे। अगर नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं जनता की आवाज। सेंटर के गुरमीत रामप्रीम सिंह जी इंसान जो अभी पेरोल पे जो बाहर आए हैं, फरलो जो उनको दी गई है, जानते हैं उसके बारे में जनता का क्या कहना है, क्या राय है इन लोगों की जाने के लिए, साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ सतगुरु तेरे इसका। मेरा नाम नीतू है। मैम क्या प्रोफेशन क्या है? मैं एक प्रिंसिपल हूँ अकाल अकेडमी खुसला में, जो मानसा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है, और 1993 से ही मैं डेरे से जुड़ी हुई हूँ। मैं परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उनकी मेरे पे बहुत बहुत कृपा है। और जो गुरुजी पेरोल पे बाहर आए हैं, ये भी हम सबकी बहुत तड़प थी जो वो बाहर आए हैं। और मैं सरकार से ये विनती करूँगी कि जो उनका राइट था, जो उन्हें 4.5 साल मिला है, जबकि वो मिलना 3 साल के बाद चाहिए था, अब हम मेरा ये और एक और रिक्वेस्ट है, पहले तो मैं उसके लिए भी, चलो सरकार ने जो भी देरी की फिर भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे या परमात्मा की खुद की मर्जी से ही ऐसा होता है। पर मैं आगे ये भी कहना चाहूँगी कि उनके जितने भी आज तक काम हुए हैं उन्होंने सिर्फ मानवता भलाई के लिए ही किए हैं और आगे भी वो यही करेंगे। अगर वो हमें इस तरह की मंजूरी दें कि वो सिर्फ सत्संग करें, चाहे वो ऑनलाइन करें, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो वो समाज को सुधारने के लिए ही होगा और उनका हमेशा हर कदम समाज को सुधारने के लिए ही हुआ है। तो ये एक और रिक्वेस्ट है, अगर सरकार हमारी माने और हम इसमें हमारे जनता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत काम करेगी या गलत उठाएगी। ये बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि समाज की भलाई के लिए हमें तो और गुरुजी को सत्संग करने दिया जाए। जी रिक्वेस्ट है, ये हमारे समाज के हित में है मैम, उनका सत्संग करना, उनका इस तरीके से समाज। आज तक का उनका कोई भी कार्य ऐसा है ही नहीं जो उन्होंने समाज के हित के लिए किया, और सारे के सारे कार्य ही उनके हित के लिए ही हैं, और आगे आने वाले समय में भी वो हितकारी ही कार्य करेंगे। ये हम एक जने का विश्वास नहीं, करोड़ों का विश्वास है, और यहाँ आज तक ना कभी कुछ गलत हुआ है ना कभी होगा। जो एलिगेशंस लगाए गए उनके, वो सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। इतने जनता का, इतने लोगों का विश्वास ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये भी, ये समय आने पर एक दिन ये सारा समाज ही ये देखेगा कि वो झूठे ही साबित होंगे। मैम इस तरीके से झूठे एलिगेशंस क्यों लगाए गए संत जी को? ये मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि, और ना मुझे पता है, बस हम ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी सत्य हैं, सत्य थे और सत्य ही रहेंगे। ये झूठ तो सरकार ही अपनी चालों से हो सकता है कुछ करना चाहे, पर मैं ये भी नहीं, हमने वो भी चीज़ नहीं देखी तो हम नहीं कह सकते, बस ये सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। संत जी के बाहर आने को, उनके पेरोल मिलने को वोटों के साथ जोड़ा जा रहा है, इलेक्शंस के साथ जोड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल ना आज तक उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ना वो करते हैं, ना उनका कोई वोटों से कोई मतलब नहीं। ये एक बिल्कुल फेयर ओपिनियन होता है कि जो भी जनता करना चाहे वो खुद कर सकती है। उनका वोटों से कभी ना तो कोई कनेक्शन था, ना है, ना रहेगा। जी अगर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सत्संग करने की अनुमति मिल जाए तो और भी सरकार को ये क्लियर हो जाए कि उनका ये बिल्कुल भी मकसद नहीं था। क्या अपील करना चाहोगे आप सर? सरकार से हाथ जोड़ के बार बार ये अपील करना चाहूंगी कि प्लीज एक बार उन्हें जनता के सामने, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी भी माध्यम से, एक बार उनका सत्संग कराया जाए और ही मान्यता का और भलाई हो सके। और वो हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाते हैं, कोई किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। जी ये रिक्वेस्ट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांगे कि सेंट डॉक्टर गुरमीत रामप्रीम सिंह जिंसा का सत्संग जरूर मिलना चाहिए पब्लिक को, जिससे हमारे समाज के ऊपर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और बाकी जो बातें फैलाई जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जनता का कहना है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।